गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज के सब्जेक्ट है बच्चों आपकी जो टीचिंग सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र, आपकी शिक्षण विषय है नागरिक शास्त्र, उसके बारे में मैं आपको अध्ययन करवा रही थी। उसमें से मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है कि नागरिक शास्त्र, जैसा कि हम सब प्रथम इसके नाम को जानेंगे कि नागरिक शास्त्र शब्द का मतलब क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। अर्थात हम देखें तो प्रथम अध्याय हमारा यही होगा कि नागरिक शास्त्र का शिक्षण, अर्थात ये शिक्षण कहाँ से, कैसे, क्यों प्रारंभ हुआ, इस चीज का हम इस विषय में अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों, जहाँ हमारा जो नागरिक शास्त्र विषय का मानना है, यह विषय हमने जहाँ सामाजिक अध्ययन जो सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं उसमें हमारे ज्योग्राफी का, हमारे स्विक्स का, हमारे इकोनॉमिक्स का, इनमें जो हमारे एसएससी में जो पार्ट होता है उसी के अंदर हम नागरिक शास्त्र का अध्ययन करेंगे। उसमें एक विषय होती है नागरिक शास्त्र, साथ में हम जो पॉलिटिकल पढ़ते हैं राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान का दूसरा रूप भी हमारा स्विक्स है। जैसे राजनीतिक विषय है उसी तरीके से उसी का ही पार्ट हमारा नागरिक शास्त्र, नागरिक शास्त्र का शिक्षण है जिसे हम 11 12 से लेकर हम पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बीएड में आते हैं तो वही विषय हमारे लिए नागरिक शास्त्र के नाम से जानी जाती है। जो राजनीतिक विषय है वो हमारा हम सिविक्स के नाम से सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले बच्चों, जब हम नागरिक शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं तो नागरिक शास्त्र की जो अवधारणा है इसके प्रति जो सोच है, अवधारणा मतलब हमारी सोच, क्या उसके प्रति क्या सोच है, क्यों उसका नाम दिया गया, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं कि नागरिक शास्त्र क्या होता है। तो नागरिक शास्त्र के लिए जो एलजी गोल्ड है, ये जो उन्होंने लिखा है एलजी गोल्ड, जो हमारे शिक्षाविद है उन्होंने लिखा है नागरिक शास्त्र के लिए कि नागरिक शास्त्र उन संस्थाओं, आदतों, कार्य और व्यक्तियों का अध्ययन है जिनके द्वारा कोई भी पुरुष या स्त्री, यानी कि नागरिक, यानी कि कहा गया ना विषय का नाम है नागरिक, तो नागरिक कोई भी हो सकते हैं, पुरुष या स्त्री, अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके। साथ में राजनीतिक जो संप्रदाय है, राजनीतिक संप्रदाय का सदस्य होने का वो लाभ प्राप्त कर सके, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र से जो जुड़ा हुआ हो उस क्षेत्र का वो लाभ ले सके। यानी कि नागरिक के कौन कौन से हमारे अधिकार होते हैं वो हम इस नागरिक शिक्षण में हम उनका अध्ययन करते हैं, जो प्रत्येक नागरिक का होता है कि हमारे कौन कौन से राजनीतिक अधिकार होते हैं इनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो ये हमारी इसके प्रति अवधारणा है कि नागरिक शास्त्र मतलब जो स्विक्स है वो हमारे राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ, जो जिसका प्रत्येक हमारे जो देश के जो नागरिक हैं उन्हें, प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार है। तो ये नागरिक संप्रदाय से अपनी जो इच्छाएं होती है उनका लाभ प्राप्त करते हैं वो हमारा राजनीतिक, जो हमारा नागरिक शिक्षण होता है। साथ में जो हमारे यूनानी दार्शनिक थे अरस्तु जी ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अगर मनुष्य की जो जन्मजात प्रकृति किसी मूलभूत विषयों का जो उल्लेख हम करना चाहते हैं वह हम कह सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपनी आवश्यकताओं और अपनी पूर्ति के विकास के लिए किस पर निर्भर होता है, समाज पर निर्भर होता है। तो समाज से हम अपनी जो अपना अस्तित्व होता है वो हम जो सोचते हैं वो कई बार ऐसा सोचते हैं कि वो हमारी जो हमारी सोच होती है, हमारी कल्पना होती है उससे भी दूर होती है। तो इसमें हमारे जो नागरिक शिक्षण में उन सब जो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित हमारे जो कल्पनाएं होती हैं हम उनके बारे में हम सोचते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि नागरिक शास्त्र, जो नागरिक शास्त्र है वो एक सामाजिक विज्ञान की शाखा होती है। किसकी शाखा है ये? सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। हम कहते हैं ना कि जिस तरह से एक पेड़ होता है उसकी विभिन्न शाखाएं निकलती हैं, उसी तरीके से ये राजनीतिक विषय जो हमारा है
इसमें हमारे कहते हम जो स्वयं एक सामाजिक विज्ञान है हमारी एसएससी है, इसके विभिन्न हमारी अलग अलग शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा हो जाएगी हमारी, अगर हम इसको माने कि ये हमारा एक पेड़ है सामाजिक विज्ञान का। अब इसमें हम देखते हैं कि इसकी विभिन्न विभिन्न शाखाएं निकलती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक। तो ये वो विभिन्न शाखाएं हैं जिनमें से ये एक शाखा जो हमारी निकली हुई है राजनीतिक शाखा, इसी के अंदर हमारी जो नागरिक शास्त्र विषय है वो उसी का ही पार्ट है। या हम कहें कि जो राजनीतिक विषय है वो हमारी हमारी जो विषय है वो है नागरिक शास्त्र। तो उसी तरह से कहते हैं कि सामाजिक विषय की ये विभिन्न विभिन्न शाखाएं हैं, उसमें से हमारी जो ये शिक्षण विषय है नागरिक शास्त्र वो भी इसकी एक शाखा है, जो मनुष्य को सफल और सामाजिक जीवन व्यतीत करने में कुशलता प्राप्त करते हैं। इसके द्वारा हमारे समाज में हमारे क्या कर्तव्य हैं उसके बारे में हम जानते हैं, किस तरह से हम उन कर्तव्यों को पूरा करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये कहा जाता है कि ये विषय एक व्यक्ति यानी मानव को एक सफल और सुसंस्कृति नागरिक बनाने के लिए हम इसका प्रशिक्षण लेते हैं, इस विषय का प्रशिक्षण लेते हैं हम एक सभ्य और एक सुसंस्कृत नागरिक बनने के लिए, कि हमारे देश के प्रति हमारे क्या राइट्स हैं, हमारे समाज के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि ये जो नागरिक विषय है ये हम इसी से संबंधित हम पढ़ते हैं इसमें और इसी का ही हम अध्ययन करते हैं। तो इसका अर्थ अगर हम सामान्य से अवधारणा जाने तो ये यही है कि यह एक सभ्य सुसंस्कृत नागरिक बनाने की हमारी एक विषय होती है, जो कि हमारी सामाजिक अध्ययन की एक शाखा होती है, ये हमारी इसकी एक सोच है। आगे हम देखेंगे कि जो नागरिक शास्त्र की जो पृष्ठभूमि थी जो शुरू हुई वो कहाँ से हुई, हमारी जो यूनान तथा रोम की सभ्यता से मिलती है। कहाँ से मिलती है? यूनानी तथा रोम सभ्यता से। सभ्यता से इसकी हमें पहचान मिलती है, यहाँ से हमें इसकी पहचान मिलेगी। इन देशों ने हमारे जो राजनीतिक नागरिक शास्त्र का अर्थ है वो क्या निकाला था? राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इन्होंने निकाला था इसका राजनीतिक अर्थव्यवस्था। इसके बारे में हमने पढ़ा भी है कि जो पॉलिटिकल जो स्टार्ट थी यूनान और रोम की देन थी, इसके बारे में हमने अध्ययन भी किया पहले। और ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था का कहते हैं कि इसको जो इन्होंने नाम दिया था वो नाम था राजनीतिक अर्थव्यवस्था से, लेकिन इसके बाद जब हमने इसका परिवर्तन किया, हमने इसे एक नए रूप में लिया, तो इसका हमने नागरिक विषय के नाम से, नागरिक शास्त्र के नाम से हमने इसका प्रयोग किया। तो ये हमारी रोम और यूनान के देश की एक देन थी जिसे हमने राजनीतिक अर्थव्यवस्था से इसको लिया गया था। यहाँ के नागरिक प्रत्यक्ष रूप से इसके कार्य में भाग लेते हैं, उसी से हमने हम भी आज जो हमारी हमारे देश के जो हम कहते हैं कि हमारे राजनीतिक क्षेत्र क्या है, हम देखते हैं कि प्रत्येक नागरिक का जहाँ मत देने का अधिकार है उसमें, तो वो राजनीतिक क्षेत्र हुआ, हमारे देश के भी प्रत्येक नागरिक अब उसमें हिस्सा लेने लगे, तो इसी से प्रभावित होकर हमारा ये शुरू हुआ। आगे हमने देखा कि नागरिक शास्त्र हम कहते किसको है, कि नागरिक शास्त्र हमने देखा नागरिक शास्त्र दो शब्दों से मिला है, कौन सा? एक तो है स्विक्स, एक है स्वीटास। स्विक्स का अर्थ क्या होता है? नागरिक। और स्वीटास का अर्थ क्या होता है? नगर। यानी कि स्विक्स का अर्थ है नागरिक और स्वीटास का अर्थ है नगर। इन दो नामों से जो अंग्रेजी में हम इसको कह देते हैं स्विक्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं और इसी का रूपांतरण है स्विक्स और स्वीटास, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्विक्स को नागरिक और स्वीटास को हम कहेंगे नगर। इस तरह से हम ये कह सकते हैं इसका वास्तविक अर्थ हम निकालें तो हम निकाल सकते हैं कि नगर राज्य के सदस्य, नगर राज्य के सदस्य, नगर राज्य के सदस्य। इसलिए हम कहेंगे तो शाब्दिक अर्थ में हम कह सकते हैं इसे नागरिक शास्त्र मनुष्य का
नागरिक रूप में, नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। किसके रूप में? नागरिक के रूप में, नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये होता है नागरिक शास्त्र का अर्थ, जिसे हम कहते हैं नागरिक शास्त्र मनुष्य का या नागरिक का, मनुष्य का नागरिक रूप में। मनुष्य तो हम सब हैं, लेकिन नागरिक कब बन रहे हैं? जब हम उस देश के लिए या हम अपने समाज के उन कर्तव्य को निभा रहे हैं, यानी कि जब हम एक सभ्य सुसंस्कृत व्यक्ति बनते हैं, तब हमें नागरिकता की उपाधि मिलती है। तो कहें मनुष्य जब नागरिक रूप का अध्ययन करने वाला ये विज्ञान कहलाता है नागरिक शास्त्र। अब हम नागरिक शास्त्र की जो हमारी परिभाषाएं हैं, वो भी हमारी अलग अलग, सभी शिक्षाविदों ने अपनी एक अलग अलग इसके प्रति हमारी परिभाषाएं दी गई है। जो हमारे इसके विषय विशेषज्ञ थे, उन्होंने इसकी अलग अलग हमारी डेफिनेशन लिखी है। जो डेफिनेशन मैंने तीन आपकी यहाँ पर लिखी है, सर्वप्रथम हमारी है अरस्तु की। अरस्तु जी ने, जो हमारे पॉलिटिकल के एक जनक कहते हैं कि इनके एक इसके राजनीति क्षेत्र में उनकी जो योगदान थे वो अनमोल थे, तो उनकी परिभाषा है अरस्तु जी की कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करता है। यानी कि हम प्रत्येक जो मनुष्य की अच्छी आदतें होती हैं, उनका अध्ययन कौन करता है? नागरिक शास्त्र। कहते हैं ये विज्ञान भी है, आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे तो हम इसको विज्ञान मानते हैं और कैसे हम इसको कला मानते हैं, जहां इसके प्रकृति के रूप में आएगा कि नागरिक शास्त्र की प्रकृति क्या होती है, कला या विज्ञान, और फिर उसे कला और विज्ञान कैसे माना जाता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और बच्चों ये प्रश्न आपका एक आता भी है कि नागरिक शास्त्र के क्षेत्र या उसकी परिभाषा, अर्थ को स्पष्ट कीजिए, साथ में हमारी इसकी प्रकृति भी पूछी जाती है कि क्या प्रकृति है, साथ में उसमें ये प्रश्न भी जोड़ दिया जाता है घुमा के कि नागरिक शास्त्र से कला एवं विज्ञान कैसे है, क्योंकि वो प्रकृति है कला और विज्ञान। तो ये प्रश्न भी हमारे इस यूनिट में से आता ही है, तो इसे आप ध्यान से देखिए कि मनुष्य जो लिखी अरस्तु जी ने कि नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन करता है। ये ऐसा विज्ञान है जो मनुष्य की अच्छी आदतों का अध्ययन करता है। सेकंड है हमारी टीएच ग्रीन ने लिखी है, टीएच ग्रीन जी ने, सामाजिक हित ही प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ हित है और नागरिक शास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक हित मैंने पहले भी बताया ना कि ऊपर भी समझा था कि जो हमारी ये हमारी जो नागरिक शास्त्र विषय है वो किसकी शाखा है? सामाजिक अध्ययन की। तो इससे कहते हैं जो सामाजिक हित होते हैं हमारी, जो हमारी भलाई के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए, उन सामाजिक हित ही प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ हित होता है, यानी सत्य होता है। क्योंकि हम मानते हैं ना कि मनुष्य जो व्यक्ति है वो कैसा है? एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज की जो आवश्यकताएं होंगी, समाज की जो भलाई होंगी, वही उसका यथार्थ रूप, यानी कि सच्चाई वाला रूप उसका यही होगा, क्योंकि वही आवश्यकता उस व्यक्ति की होगी जो हमारे समाज की है। तो व्यक्ति का यथार्थ हित है और नागरिक शास्त्र में इसी का ही अध्ययन किया जाता है कि जो समाज का हित है वो ही हित किसका है? व्यक्ति का, स्वयं का हित है। कहते हैं यही हित, इन्हीं हितों के बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसीलिए इसे समाज से, जहाँ सामाजिक अध्ययन से हम इसे नागरिक शास्त्र बना देते हैं, क्योंकि यही समाज से हमारा इसका भला अध्ययन होता है और वही अध्ययन हम एक व्यक्ति पार्टिकुलर नागरिक के रूप में करने लग जाते हैं। तो यही कहते हैं कि इसीलिए ये सामाजिक अध्ययन की ही शाखा मानी जाती है। फिर तीसरी जो हमारी परिभाषा लिखी है वो है विश्वकोश ब्रिटेनिका ने लिखी है कि नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विज्ञान है। नागरिक शास्त्र
समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का क्या है, विज्ञान है। मैंने बताया था आपको कि नागरिक शास्त्र के लिए प्रत्येक में बता रही हूँ कि उनके जो हमारे मनुष्य के नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं, क्या उनके राइट्स होते हैं समाज के, देश के प्रति, परिवार के प्रति, हम उसी का इसमें अध्ययन करते हैं। और ये कहा जाता है कि ये एक विज्ञान की ही देन है, क्योंकि विज्ञान ही हमारे जो उद्देश्य हमारे कर्तव्य हैं उन्हें क्रमबद्ध करती है। क्योंकि क्रम कहते हैं ना, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान वो होता है जिसे हम सुव्यवस्थित तरीके से हम व्यवस्थित करके हम उसे काम में लेते हैं। क्रमबद्ध करना वो ही एक विज्ञान है। क्योंकि समाज जहां अगर ऐसा नहीं होता तो हम सामाजिक अध्ययन से इसे अलग करते ही नहीं, क्योंकि ये हमें किस तरीके से इसे क्रमबद्ध करना है वो क्रमबद्धता के रूप में इसका नाम नागरिक शास्त्र का दे दिया। तो इसे एक विज्ञान की ही देन होती है जिसे किस तरीके से डिवाइड करके हम उसे क्रमबद्ध कर देते हैं, वो क्रमबद्ध करना, वो नाम देना ही एक विज्ञान होता है। तो कहते हैं नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विज्ञान है कि उन्हें जो उनके अधिकार होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उन्हें किस तरीके से वो व्यवस्थित करते हैं, किस तरीके से क्रमित करते हैं कि उन्हें वो पूरा कर सकें। तो ये एक विज्ञान की श्रेणी में है। आगे हम इसकी देखेंगे। अब ये तो हम देख भी सकते हैं कि नागरिक शास्त्र के कई बार हमसे पूछे जाते हैं कि लक्षण क्या है। अगर आप लक्षण की बात देखें तो उसमें हम एक गुण देखते हैं कि भाई ऐसे क्या क्या लक्षण होते हैं नागरिक शास्त्र में। तो नागरिक शास्त्र जहां हम सर्वप्रथम यही जान सकते हैं इसका विषय क्या हो गया, मानव हो गया। यानी कि ये किससे संबंधित हो गई, हमारी मानव से यानी मनुष्य से संबंधित। फिर हम देखें कि जो इसके कारण होते हैं वो मनुष्य के कर्तव्य वो अधिकार होते हैं। कारण क्या है, किसके लिए वो काम करेंगे व्यक्ति, अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के लिए। फिर हम देखें कि जो सामाजिक का हमारा जो सामुदायिक जीवन होता है मनुष्य का, उसके जो विभिन्न पक्षों का हम अध्ययन इस नागरिक शास्त्र में करते हैं। तो ये हमारे इसके एक विषय के लक्षण है कि ये विषय हमारे क्या, इसके अंदर क्या लक्षण होते हैं, किस तरीके से हम इस पर कार्य करते हैं। अब है हमारी इसकी विशेषताएं कि नागरिक शास्त्र विषय की क्या क्या विशेषताएं हैं। सर्वप्रथम हमारी इसकी विशेषता है कि नागरिक शास्त्र का जो अध्ययन है वो जीवन की, जीवन जो हमारा विषय जीवन है उसकी सर्वोत्तम दशा है। यानी कि उस विषय की सबसे अच्छी संस्था होती है कि किस तरीके से हम उसी विषय का, अगर हम नागरिक पढ़े तो उस नागरिक शब्द का, उस नागरिक विषय का हमें सर्वोत्तम अध्ययन इसी में ही मिलेगा, इस विषय में ही मिलेगा। सेकंड है हमारा इसमें कि जो नागरिक शास्त्र है ये हमारे जो विभिन्न पक्ष होते हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन विभिन्न पक्षों का क्या करता है, अध्ययन करता है। प्रत्येक इन पक्ष में जो नागरिक का हित छुपा हुआ होता है उनकी वो पूर्ति करते हैं। इन्हीं के आधार पर सामाजिक हित होते हैं वो सामाजिक हित को पूरा करते हैं, आर्थिक हित होता है उनसे वो आर्थिक क्षेत्र में, और राजनीतिक क्षेत्र का होता है तो वो राजनीति में। तो इन सभी पक्षों का हम अध्ययन करते हैं इसके अंदर, और इन अध्ययन करके जो इन हम आवश्यकता होती है उसे हम पूरा करते हैं। सेकंड है राजनीतिक समाज के सदस्य के रूप में भी हम शिक्षण विषय जो हमारे नागरिक शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि राजनीतिक जो हमने राजनीतिक विषय का ही तो पार्ट है ये, जैसे हमने SSC की शाखा थी राजनीति, तो राजनीतिक विषय ही क्या है हमारी नागरिक शास्त्र। तो समाज के सदस्य के रूप में हम उसका अध्ययन करते हैं। फिर है नागरिक के अधिकारों एवं कर्तव्यों का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं कि नागरिक के कौन कौन से अधिकार होते हैं और कौन कौन से कर्तव्य होते हैं, इनका अध्ययन भी हम यहाँ करते हैं। फिर है कि मानव निर्मित जो संस्थाएं होती हैं, हम देखते हैं मानव निर्मित क्या हो गया, हमारे विद्यालय हो गए, हमारे समाज में जो हम सामाजिक संस्थाएं स्थापित करते हैं, इन सब का अध्ययन भी हम यहाँ पर करते हैं। क्योंकि जो ये विषय है हमारे राजनीतिक समाज, हमारे SSC का पार्ट है, हमने देखा है कि मनुष्य प्रत्येक समाज में रहने वाला इन सभी चीजों से, विद्यालय से जुड़ा रहेगा, वो समाज से जुड़ा रहता है। तो ये जो हमारी मानव निर्मित जो भी संस्थाएं होती है इन संस्थाओं का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था कि नागरिक शास्त्र क्या है
नागरिक शास्त्र कहाँ से शुरू हुआ, नागरिक शास्त्र किन दो शब्दों से मिलकर बना, इन सब का हमने इसमें अध्ययन किया। ये देखा था हमने कि नागरिक शास्त्र जहाँ स्वीक शब्द का अर्थ होता है नागरिक और स्वीडास का अर्थ होता है नगर, यानी कि नगर राज्य के सदस्य, जहाँ मनुष्य नागरिक रूप में, मनुष्य का हम एक नागरिक के रूप में जब हम उसका अध्ययन करते हैं एक विज्ञान के देन से, तो वो हमारा ये नागरिक शास्त्र कहलाता है। इन सभी चीजों के बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।